नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज है 26 तारीख, जो कि एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। पर मैं अभी उठा हूँ 10 बजे के आसपास, तो इधर एक दो फंक्शन थे जो कि मैं जिसमें भाग नहीं ले पाया, जो देख नहीं पाया। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने रात को एक ब्रिज के पास आसपास साइन ऑफ किया था और नींद बहुत तेज लग गई थी। रात को मन बना के सोए थे कि उठेंगे जल्दी, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे झंडा कैसे लहराया गया और कैसे कैसे इधर घोरपड़ी में, मैं फिलहाल घोरपड़ी में हूँ रनिंग रूम में, और बहुत ही अच्छा माहौल था। मैं गया था पर मिस हो गया, प्रोग्राम ख़त्म ही होने वाला था। और मैं कल गाड़ी आया था, मालगाड़ी, मुझे 4 बजे के आसपास साइन ऑन हुआ था और हमने 8 से 9 घंटे काम किया। और फिर गाड़ी को छोड़ने के लिए हमें एक CC नंबर दिया गया कि आप ये गाड़ी छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम हो गया है ज़्यादा, इसलिए आपको फिर रिटर्न टू हेडक्वार्टर है, आप अपने हेडक्वार्टर रिटर्न चले जाइए स्पेयर। तो हमने गाड़ी छोड़ दी है और अब जाएंगे स्पेयर। मेरे साथ हैं लोको पायलट संजीव कुमार जी, और हमारे लोबी में भी एक प्रोग्राम है आज, जो हमारे नए 25 लड़के आए हैं उनके गेट टुगेदर से की गई है LRSA के द्वारा। LRSA हमारा रनिंग जो लोको स्टाफ है उसका एक एसोसिएशन है, तो आज जाएंगे अगर टाइम लगेगा तो, और आपको भी दिखाएंगे। और अभी हो गया है टाइम तैयार होने का, क्योंकि गाड़ी है हमारी 12:45 के आसपास, और बस अभी नाश्ता किया है, उठे हैं। हाँ, ये भी बताएंगे कि कैसे, पहले मैं मेल एक्सप्रेस काम कर रहा था कुछ दिन से, और एकदम से मालगाड़ी पे क्यों लगा दिया गया, उसका क्या रीज़न था, और नए लड़के आए हैं तो कुछ लड़के गए हैं तो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, किस तरह से रिक्वेस्ट उनकी क्लियर हुई है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारा घोरपड़ी का रनिंग रूम है उसमें एक ये तरह एक, ये देखिए एक झूला सा है, यहाँ पे हम रिलैक्स फील करते हैं। और ये थोड़ा सा कुछ गार्डन है यहाँ बैठने का, उस तरफ भी एक गार्डन है, रनिंग रूम है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पानी की टंकी है उधर ऊपर, और वो जो चिड़िया स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी वो वहाँ पे है, आर्टिफिशियल है पर बहुत ही सुंदर है। और ये इस तरह से देखिए सुंदर सी गार्डनिंग की गई है, बहुत ही मेंटेन्ड वे में घोरपड़ी और पूना में रखा जाता है, और सोलापुर में तो आप देखते ही हैं कितना सुंदर तरीके से है। तो ये पेड़ है बड़ का, ठीक है, इधर इतना ही है, ये बैठने का है कुछ जैसों के लिए है, जिसको फ़ोन पे बात करनी है, ब्लॉग बनाना है, तो वो इधर आके करे, ना कि अंदर, ताकि जो स्टाफ रेस्ट कर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये 4 नंबर रूम है मेरा, वो खड़ा 4-व्हीलर खड़ा है सर, चलते हैं इसी से पुनः, अभी करेंगे साइन ऑन और फिर उससे पुनः जाएंगे। तो इस तरह हर जगह पे यहाँ पे प्रोग्राम है आज, तो और सर गए हैं बाइक लेने और अब पहुँचेंगे घर पे, और फिर बताते हैं आपको क्यों पोजीशन थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो दोस्तों पहुँचे हैं घर पर केवल 1.5 घंटे की ड्यूटी में, क्योंकि स्पेयर आए हैं, कुछ करना था नहीं, जाना था, साइन ऑन किया घोरपड़ी, पूना पहुँचे, पूना से गाड़ी पकड़ी, ब्रेकयान में बैठे, जा सकते एसी में भी थे पर कौन जाए, ब्रेकयान खाली रहता है पूरा हमारे लिए,
तो वहाँ बैठे अंकल लोग ताश खेलते भी आए, उनके साथ में मनोरंजन करते हुए 1-1.5 घंटा मस्त बीता, पता ही नहीं चला। फिर साइन ऑफ किया यहाँ। तो अब बात करते हैं आगे कि अभी हमारी मालगाड़ी पे ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ये 26 लड़के हमारी लॉबी में आए हैं, तो इनको आते ही इंडिपेंडेंट गाड़ी नहीं दी जा सकती, इनको पहले दिया जाएगा रूट की लर्निंग। और रूट की लर्निंग के लिए इनको लगेंगे 8 से 10 दिन। पर कुछ लड़कों ने नागपुर के लिए रिक्वेस्ट लगा के रखी थी और उनका रिक्वेस्ट हो गई है क्लियर, और उनको 2 दिन पहले ही सोलापुर डिवीज़न से हमारे क्लियर चिट आई थी और उनको डोंट लॉबी ने कल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो 10 लड़के ALP जा रहे हैं। तो उनको ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, और उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? नए वालों की लगेगी नहीं, क्योंकि ये LRD पे हैं। तो बच गए, पहले से ही जो पोजीशन टाइट थी थोड़ी और टाइट हुई, जिसकी वजह से मालगाड़ियाँ होने लगी थी खड़ी। तो जैसे भी जो भी अवेलेबल हो रहा था उसको गाड़ी दे दी जा रही थी, जो भी टर्न पे आ रही थी, ताकि गाड़ियाँ खड़ी ना हो। तो अभी ये चलेगा कुछ दिन और, जब तक इनकी LRD कंप्लीट नहीं हो जाती नए वालों की। और अब बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, वो कैसे गए हैं, या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ये क्या होता है। तो जैसे मैं हूँ बेसिकली हरियाणा का, और मैंने RRB मुंबई में अपने विश से फॉर्म भरा था, और अब सिलेक्शन होने के बाद अगर मैं जाना चाहता हूँ अपने नॉर्दर्न रेलवे, मतलब जोन चेंज करना चाहता हूँ, तो जोन चेंज करने के लिए हमारे पास में एक बॉन्ड है 5 साल का। हमें जिस RRB से हम सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पे 5 ईयर की वर्किंग करनी है, और उसके बाद हम एप्लीकेबल होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए कि हमें वहाँ पर भेज दिया जाए ऑन रिक्वेस्ट, अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो। एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके बारे में आपको अलग से दूसरी वीडियो में बता देंगे। अगर कोई वहाँ का लड़का इधर आना चाहता है तो पूरा ब्रीफली बताएंगे। और इन्होंने कैसे किया है, तो देखिए ये है इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र। जिसे हमारा मुंबई बोर्ड है, तो मुंबई बोर्ड में हमारा डिवीज़न आते हैं नागपुर, भुसावल, सोलापुर, 4-5 डिवीज़न है। तो इन्होंने लगाया था इंटर डिवीज़न, मतलब सोलापुर से नागपुर के लिए। तो इंटर डिवीज़न आसान है, उसके लिए कोई शर्तें या कुछ नहीं है, बस आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, इंडिपेंडेंट होते ही इन्होंने ऑन रिक्वेस्ट डाल दिया था इंटर डिवीज़न हम डाल सकते हैं। तो उनका क्लियर हुआ, उन सभी को शुभकामनाएं। और नए लड़के आए हैं इनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, जल्दी से लाइन पे आए, हमारा थोड़ा सा हेडेक कम हो। तो ये था आज के व्लॉग में, और अभी नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें हम देखते हैं क्या लेके आना है, और आप भी सजेस्ट कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।